नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता, एक ट्रक शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। जिले में लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। 128 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 3000 के पार। डिजिटल माध्यम से मनाया गया बिहार कृषि विश्वविद्यालय का 11वां स्थापना दिवस। वेबिनार में स्वास्थ्य प्रबंधन पर हुई चर्चा। बांका के अमरपुर में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। भीड़ इकट्ठी कर कोरोना को दिया जा रहा है दावत। और बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए मड़वाड़ी युवा मंच ने SSP को सौंपा मास्क एवं सैनिटाइजर। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने नवगछिया भवानीपुर स्थित अजय ढावा के समीप एक ट्रक विदेशी शराब जब्त किया है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्करों द्वारा भारी मात्रा में शराब जलपाईगुड़ी से लखनऊ ले जाया जा रहा है। जानकारी मिलते ही उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने अपने दल बल के साथ तत्परता दिखाते हुए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक विदेशी शराब एवं ट्रक के चालक कर्मवीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जब्त शराब को ट्रक पर रखे भूसे के बोरे में छिपाकर रखा गया था। उत्पाद अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्रक चालक कर्मवीर उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि 485 कार्टून में अलग अलग ब्रांड के करीब 12,000 बोतल विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। वहीं इंस्पेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग द्वारा मिली सूचना पर विशेष टीम का गठन कर वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें कई ढाबा और होटल के बाहर लगे वाहनों की जांच की गई। इस क्रम में अजय ढावा के समीप एक ट्रक पर मक्का लोड होने की बात कही गई, लेकिन आशंका होने पर जब चेकिंग किया गया तो शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। गौरतलब हो कि बिहार में शराबबंदी लागू है और सरकार द्वारा शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में शराब का कारोबार फल फूल रहा है। अजय ढावा के पास से सूचना मिली थी कि यूपी नंबर की गाड़ी विदेशी शराब लेकर आ रहा है और विदेशी शराब जो लेकर आ रहा था उस संदेह के आधार पर और गुप्त सूचना के आधार पर जो सूचना मिली थी उसमें उसकी सत्यता का जांच के लिए उस गाड़ी का चेक किया गया और चेक करने के बाद वो भूसी में बहुत सारे विदेशी शराब विभिन्न ब्रांडों का रखा हुआ है। उसने अपना नाम करमवीर बताया और वो हथरस का रहने वाला है और इसको गाड़ी वो जलपाईगुड़ी में मिली थी और ये गाड़ी लेकर के बोल रहा था कि लखनऊ जा रहे थे, लेकिन अभी इसकी तहकियात की जा रही है और चूंकि भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी गई है इसकी गिनती जारी है। जैसे ही एग्जैक्ट गिनती हो जाएगी आपको बताया जाएगा। राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य महकमा द्वारा कितनी भी कोशिश की जा रही हो पर बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या पर शिकंजा कसना असंभव लगता जा रहा है। लॉकडाउन, जागरूकता अभियान, मास्क सैनिटाइजर वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे तमाम हथकंडे नाकाम नजर आ रहे हैं। जिले में गुरुवार को 128 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। वहीं पड़ोसी जिला बांका से 58, मुंगेर से 57, पूर्णिया से 80 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि राजधानी पटना से हमेशा की तरह सर्वाधिक 603 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। बता दें कि सूबे में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना मरीजों का ग्राफ चढ़कर 64,000 के करीब पहुंच चुका है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के कारण स्थापना दिवस समारोह का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन फसल सुरक्षा के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन, पोषण एवं आमदनी से सीधा जुड़ा है। मंत्री ने कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय का कृषि के क्षेत्र में सराहनीय योगदान है और किसानों के कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए स्कॉच संस्थान की ओर से गोल्ड मेडल भी मिला है। वहीं कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य के रूप में मनाया जा रहा है। साथ ही कहा कि सतत अनुसंधान करने से कृषि के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। वहीं BAU के कई वैज्ञानिक और कर्मियों के कोरोना की चपेट में आने के कारण विश्वविद्यालय को तत्काल बंद रखने का निर्णय लिया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सभी विभाग के कार्यालय को 11 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देशक ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर यह आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालय के कर्मी कोरोना संक्रमित होने के कारण एहतियातन विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कदम उठाया है। बांका के अमरपुर में लगातार कोरोना संक्रमितों में तेजी से वृद्धि हो रही है और लोग हाट बाजार लगाकर कोरोना को आमंत्रण देने में लगे हैं।
जनता कोरोना के संक्रमण को हल्के में ले रही है, परिणाम स्वरूप कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि अमरपुर स्थित धर्मपुर हाट में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग बिना मास्क लगाए भीड़ इकट्ठी कर अपने साथ अपने परिवार एवं पूरे जिले को खतरे में डाल रहे हैं। सरकार द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी लोगों को कोरोना से होने वाली नुकसान का अंदाजा नहीं है। इतनी भयानक महामारी को लेकर लापरवाही बरतना खतरनाक साबित हो सकती है, जबकि बीते दिनों कोरोना संक्रमण से अमरपुर में पदस्थापित दरोगा की मौत भी हो चुकी है। जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार प्रांतीय मड़वाड़ी युवा मंच की ओर से भागलपुर SSP आशीष भारती के आवास पर मास्क और सैनिटाइजर मुहैया कराया गया। इस मौके पर प्रशांत खंडेलवाल, अश्विनी जोशी, मोंटी समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता और युवा मौजूद थे। मंच के सदस्यों ने कहा कि शहरी क्षेत्र में भी कोरोना लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, इसी को लेकर मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। वहीं SSP ने कहा कि समाज में जागरूकता फैलाने के साथ नियमित रूप से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला पुलिस और कई सामाजिक संगठन के लोग आगे आ रहे हैं, जो सराहनीय प्रयास है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने की छूट नहीं दी जा सकती है। आज अखिल भारतीय मड़वाड़ी युवा मंच के आह्वान पर हमारे पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत खंडेलिया के नेतृत्व में हम लोग जो प्रशासन के लोग इस कोरोना वायरस में पूरी तन्मयता के साथ हम सभी की सुरक्षा में लगे हैं, उनके लिए हम लोग मास्क और सैनिटाइजर देने का काम कर रहे हैं। आज भागलपुर के SSP आदरणीय आशीष भारती जी के यहाँ हम लोग आए थे, 5000 पीस मास्क और सैनिटाइजर 4 कार्टून हम लोगों ने दिया है, जो वो सिपाही लोगों को उपलब्ध कराने के लिए ये है। ये हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि अग्रवाल जी और हमारे प्रांत के अध्यक्ष प्रशांत खंडेलिया जी द्वारा हमें निर्देशित किया गया था। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर MD रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी CT स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी में चिकित्सकों और उनके स्टाफ को संक्रमण से बचाना एक चुनौती है। हेल्थ केयर स्टाफ ही सबसे पहले रोगी से रूबरू होते हैं और डॉक्टरों द्वारा मरीज को देखने के बाद इलाज का सारा जिम्मा कंपाउंडर और नर्स पर होता है। ऐसे में क्लिनिक के स्टाफ को कोरोना संक्रमण से बचाना केवल एक चुनौती नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर शेव हेल्थ केयर स्टाफ फ्रॉम कोविड 19 का शुभारंभ किया है। अभियान को लेकर आईएमए के जिला सचिव डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि एक स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरे क्लिनिक पर खतरा मंडराने लगता है और कभी कभी तो कोरोना की चेन इतनी लंबी हो जाती है कि क्लिनिक को बंद करना डॉक्टर की मजबूरी बन जाती है। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि शहर के स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से हमारी संस्था के सदस्य नर्सिंग होम, निजी क्लिनिक समेत सभी हेल्थ सेंटर पर जाकर कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय बता रहे हैं, साथ ही लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अभी देखा जा रहा था कि कोरोना जब बढ़ा तो अधिकांश डॉक्टरों का क्लिनिक बंद हो गया और ये बंद क्यों हुआ कि बहुत से क्लिनिक में इन्फेक्शन आ गया कोरोना का और जहां नहीं आया वहां डर से बंद कर लिया। तो जीवन जागृति सोसाइटी लगातार शहर के तमाम समस्या पर नजर रखती है और उसी में हम लगातार कोरोना पर काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं, यदि स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर यदि बचेंगे तभी क्लिनिक चलते रहेगा। एक भी स्टाफ को यदि संक्रमण होगा तो डर से सारे स्टाफ बंद कर देंगे और बंद करना भी पड़ेगा। द्वारा जो ये पहल है जीवन जागृति का, ये बहुत ही अच्छा है, जिससे कि पेशेंट का सुरक्षा है और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ का भी सुरक्षा है। बहुत ब्रीफ से 20 पॉइंट इन्होंने दिया है जो कि बहुत आसान है, जिसको फॉलो किया जा सकता है। अगर इतना फॉलो होता है तो संक्रमण बढ़ने की संभावना कम से कम होगा, एकदम जीरो तो नहीं लेकिन कम से कम होगा। भागलपुर के दीपनगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में लंबे अरसे बाद वर्चुअल रैली के बहाने कांग्रेसियों का जामवाड़ा लगा, जहां कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष परवेज जमाल और विधायक अजीत शर्मा समेत कांग्रेसी नेताओं द्वारा वर्चुअल रैली के माध्यम से जिला कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की गई। रैली में बिहार प्रभारी समेत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। बता दें कि भागलपुर और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दो विधायक हैं और आगे भी दोनों सीट पर कांग्रेस का कब्जा कायम रहे, इसको ध्यान में रखते हुए वर्चुअल रैली को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज वर्चुअल मीटिंग थी पूरे बिहार कांग्रेसियों का, इसमें राहुल गांधी जी अभी संबोधित करेंगे, हम लोग 10 बजे से ही इसमें जुड़े हैं और इसमें पूरे सरकार का फेल्यूर की चर्चा, कांग्रेस जो सदस्यता अभियान कर रहा है उसकी चर्चा और चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, कैसे कांग्रेस की सरकार बने, हम लोग जनता के बीच जाएँ, क्योंकि जनता पूरे इस सरकार से, जो बिहार में सरकार है उससे ऊब चुकी है। शाहकुंड प्रखंड के रसगुल्ला गांव मार्ग पर 11,000 वोल्ट के करंट प्रभावित बिजली का तार टूटकर गिर जाने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तार गिरने से 13 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग की ओर से ना तो कार्रवाई की गई और ना ही कोई अधिकारी इसकी सुध लेने पहुंचे। दिन के वक्त जब ग्रामीण अपने मवेशी को लेकर गुजर रहे थे तब अचानक ग्रामीणों की नजर बिजली के टूटे तार पर पड़ी। तार के साथ बिजली का खंभा और ताड़ का पेड़ भी गिरा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना बिजली विभाग के अधिकारियों को दी और बिजली कटवाई। वहीं अनहोनी होने की आशंका से ग्रामीण डरे हुए हैं। बांका के चांदन प्रखंड दक्षिणी कस्बा वशीला पंचायत धमाना गांव में वन विभाग द्वारा नर्सरी का विधिवत उद्घाटन बांका वन प्रमंडल के DFO राजीव रंजन ने फीता काट कर किया। लगभग 6 एकड़ में तैयार नर्सरी में सागवान, महुआ, आंवला, नीम, बेल, गुलमोहर, कटहल, जामुन सहित कई पौधे लगाए गए हैं। नर्सरी में लगभग 60,000 पौधे तैयार करने की क्षमता है। DFO ने कहा कि अधिकारियों एवं छात्र छात्राओं को वृक्षारोपण के लिए पौधा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि आम लोगों को 10 रुपये में दिया जाएगा। मौके पर कटोरिया रेंजर सुनील कुमार, लेखपाल अजीत कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभाव कोरोना वॉरियर्स पर पड़ रहा है। पुलिसकर्मी, डॉक्टर, पत्रकार, सफाईकर्मी अपने परिवार से दूर रहकर हमारी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। इसी को देखते हुए मंजूषा कलाकार पूनम कुमारी ने सभी कोरोना वॉरियर्स को मंजूषा पेंटिंग से बने मास्क का वितरण करने की पहल की है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता, एक ट्रक शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।
जिले में लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। 128 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 3000 के पार। डिजिटल माध्यम से मनाया गया बिहार कृषि विश्वविद्यालय का 11वां स्थापना दिवस। वेबिनार में स्वास्थ्य प्रबंधन पर हुई चर्चा। बांका के अमरपुर में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। भीड़ इकट्ठी कर कोरोना को दिया जा रहा है दावत। और बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए मड़वाड़ी युवा मंच ने एसएसपी को सौंपा मास्क एवं सैनिटाइजर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।